रहमान रहीम। ये देखें मैं आ गया को ये ना फ्रॉक का थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करनी बता रही हूँ। ये मैंने टाई जो इस शक्ल की मैंने ये कपड़ा लिया है और ये मैंने टाई बनाई है। अब मैं आपको इसको सीधा करना, ये मैंने सिलाई लगाई हुई है, यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई हुई है, ये मेरा निशान है, यहाँ तक ये मेरा वैसे ही गुलाई है। इधर से मेरी कंधे में आएगी, ये मेरी शोल्डर में जाएगी। ये देखना मैं आपको सीधा करना बताती हूँ। ये आप इस तरीके से इसको सीधा करें, ये मशीन की मदद से आप इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से ये अंदर से निकल आती है बड़ी अच्छे तरीके से। ये देखें कोई कोने का मसला नहीं बनता इसका। इसको इस तरीके से सीधी करें, ये देखें इधर मैंने इसको कट लगाया हुआ। ये मेरा ये इस तरीके से मैंने इसको सीधा किया, बाहर को निकाल ले। ये देखें मैं आपको फ्रेंड्स है, ये मेरी फ्रेंड साइड है, ये मैंने गोल गला काटा हुआ है। ये देखें ये मैंने इधर लगाऊंगी, ये मैं पीस इधर लगाऊंगी। ये मेरे दो पीस हैं, इधर से ये डबल हो जाएगा। ये पीसों को मैं इस तरह इधर पिनअप कर लूँगी। ये मैंने दोनों पीस पिनअप कर लिए हैं। अब मैं ये लगाऊंगी इधर, इधर मेरी ये लैस लगेगी, ये लगेगा इधर मेरा। इसकी सेटिंग इस तरीके से मैं इसकी सेटिंग करूंगी ताकि इधर लैस आ जाएगी मेरी, ये गोल गले में निकल जाएगा। ये देखें ये मेरा फ्रॉक तैयार हो गया है। मैंने आपको ये टाई वाला फ्रॉक आगे से बताया था। आप ये देखें ये मैंने फ्रिल वाले बाजू बनाए हैं और ये मैंने इधर लैस लगाई है, ये मैंने टाई लगाई है। ये देखें आगे टाई मैंने इस तरह बंद करी है। ये देखें मैंने कपड़े की मदद से इसको टाई से बंद करा, ये गिरा खुलेगी नहीं, गिरा लगाते हैं तो खुल जाती है बच्चों की। ये आगे से टाई है, ये मेरे पीछे से बेल्ट है। और देखें ये मैंने कम कपड़े में ये घेर बनाया है, मैंने अम्ब्रेला शेप की कटिंग करी है, है तो अम्ब्रेला ही मगर इसकी घेर देखो माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना बना है। आप मेरी पूरी वीडियो देखें फिर समझ आती है, पूरी वीडियो देख के आप बनाएं। मेहरबानी शुक्रिया, आप लाइक कर देना।